यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, क्या समझाया, कि अगर नहीं जाऊंगा तो फिर वो सामर्थ नहीं मिलेगी, समझ आ रही है। तो वो हमारी कमजोरी में, हमारी मुश्किल में वो आत्मा हमारी सहायता करता और पवित्र लोगों के लिए सिफारिश करता है। कितनी बड़ी बात है, बोलो क्या है, कितनी बड़ी बात है। आपको क्या चाहिए, आप बैठो, परमेश्वर से बात करो, क्या करो, क्योंकि लिखा आत्मा भेद की बातें किससे करता है, परमेश्वर से। हो सकता है कि जो बुद्धि की प्रार्थना आप करते हो, उस बुद्धि की प्रार्थना में वो शब्द आप परमेश्वर से ना कहो जो आत्मा परमेश्वर से कहेगा। हो सकता है कि बुद्धि की प्रार्थना में वो शब्द आपने कभी भी परमेश्वर को ऐसे नहीं कहे कि ऐसे हो, क्योंकि ये अन्य भाषा में जो हम प्रार्थना करते हैं ये सिद्ध प्रार्थना है। क्या, कैसी प्रार्थना है, ये सिद्ध प्रार्थना, सिद्ध। इसीलिए प्रेरित पॉल कहता है ज्यादा से ज्यादा तुम अन्य भाषाओं में किससे बातें करो, किससे बातें करो, ज्यादा से ज्यादा, समझते हो। जैसे तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा, वहां पे ऐसे लिखा, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, वहां पे ये प्रार्थना शब्द है, पर ओरिजिनल टेस्ट में ये प्रार्थना शब्द कैसे आया, जैसे लुका 18:1 में भी प्रार्थना शब्द है, उसे बोलते हैं प्रोस, यूनानी शब्द में प्रोस ओकोमाई, कैसे प्रोस ओकोमाई, प्रोस का मतलब उस तरफ, ओकोमाई थे चाह, और लुका 18:1 में प्रार्थना शब्द को तो प्रोस ओकोमाई यूनानी शब्द में ऐसे कहा। और ये तीसरा यूहन्ना 1:2 में जो प्रार्थना शब्द है ये ऐसे है, परमेश्वर ने कहा मेरी उत्तम चाहत है, हे प्रिय, प्रार्थना शब्द, मेरी उत्तम चाहत है, इसे ऐसे लिखकर रखो अपने वचन में, ऐसे प्रार्थना शब्द को कि हे प्रिय मेरी ये उत्तम चाहत है कि अगर तू आत्मिक उन्नति करे तो सब बातों में उन्नति करे और तेरा शरीर भी क्या रहे, भला चंगा। अगर भाई आपकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, क्या है आपकी कोई प्रेयर नहीं, कोई संगति नहीं, कुछ नहीं है, क्या उम्मीद रखोगे, क्यों क्यों प्रेरित पॉल ने परमेश्वर में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अगर आपकी कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी हमने सुना कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, अब कोई प्रेयर नहीं कर रही, कोई आपकी फेलोशिप नहीं है, क्योंकि विश्वास किससे आता है, सुनने से, अब सुन नहीं रहे हो तो कहां से काम होंगे, समझ आ रही। इसलिए भाई आत्मिक उन्नति करो। आत्मिक उन्नति कैसे होती है, किसी का दूसरे का भला करने से भी होती है, क्या होती है, किसी की हेल्प करने से भी होती है, अन्य भाषा से होती है, जब हम बहुत अन्य भाषा करते हैं तो वो भी एक हमारी आत्मिक उन्नति है, क्योंकि भेद की बातें परमेश्वर से हम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो आत्मा अपने लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए सिफारिश है। आपकी आंख में आपको दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, आपके यहां पे रसौली है, यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, लीवर खराब है, किडनी में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आत्मा कहता परमेश्वर इसे ये प्रॉब्लम है करो, मैं आपको ये आज मैं आपको फिर ये एक आपके लिए प्रोफेटिक ये वर्ड देता हूं, आपके जाओ करो, रिजल्ट आएंगे, जल्द आएंगे रिजल्ट, बहुत जल्द रिजल्ट आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल है। जैसे यीशु मसीह ने हर चीज पहले खुद की फिर दूसरों को कहा तुम करो, इसलिए मैंने हर मुश्किल के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर चीज का मैंने फेस किया, और इसलिए मैं कई लोगों को कहता मैंने लंबा सफर नहीं किया किसी भी चीज के लिए, आज तक क्या नहीं किया, किसी चीज के लिए मैंने लंबा सफर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, तो वो जो सहायक दिया वो आपके लिए बोलेगा तेरे घर में तेरे पति के साथ झगड़ा है, उसकी बनती नहीं है, आत्मा कह रहा है परमेश्वर इसकी पति से बनती नहीं, इसका सही करो, ज्यादा से ज्यादा आज स्पीकिंग टेंस अदर लैंग्वेज मतलब अन्य भाषा में बातें करो, ज्यादा से ज्यादा, और लिख के रखो अपने, नोट करो अपनी कॉपी में, आज डायरी में नोट करो ये वचन, आज की जो ये मैं आपको प्रॉफिट ये प्रॉफिटिव वर्ड देता हूं, ये आपको समझ आई है, तो लिख के रखो, रोज ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा करो। अगर नहीं अभी तक अन्य भाषा पाए, सॉरी
अभी तक आप अन्य भाषा नहीं करते, पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो चाहत करो। अगर आपके अंदर चाहत नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? देखो रास्ता आसान है। अब उस वचन को उस वचन से कंपैरिजन करो, मार्ग संकरा है। अरे हर वचन का अपनी अपनी जगह पे एक मतलब है। क्यों परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश होती है? प्रार्थना बिना, ना विश्वास बिना, ना प्रार्थना बिना। क्योंकि प्रार्थना कितनी जरूरी है, विश्वास करना कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज किससे करते हैं? विश्वास से, प्रार्थना से। पर फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान बिना नाश होती, क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई बहुत प्रेर करता है सही, उसके पास टीचिंग नहीं है, उसे वचन क्या कहता है, तो ये भी खतरनाक है। अगर हम जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, चाहे गाड़ी है, कार है, तो खाली उसमें पेट्रोल डीजल डालकर उसे भगाते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी? इसलिए उसके इंजन में क्या डालते हैं? ऑयल, जिसे हम मोगलैन बोलते हैं। हाँ, क्योंकि उससे ठंडी रहे। सब चीजें जरूरी है, समझ आ रही है? सब चीजें जरूरी है। और एक चीज तो ये आपकी आत्मिक उन्नति है, जिससे आपकी सब मुश्किलें हल होगी और आपके सब काम होंगे आसानी से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लोग, मैंने कई लोगों को कितना क्या कर रहे हैं मसीह में, कितने साल साल रो रहे हैं, आए प्रभु। मुझे याद नहीं, एक पंजाबी में ऐसे कहते हैं, संगता सरफना कर और की कर, वहां ऐसे एक वचन है, पता नहीं कहां पे लिखा, याद है किसी को? कि संगता सरफना कर, अड़के अपने परमेश्वर के प्रार्थना कर। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऊंचे ऊंचे, हाय प्रभु, हाय प्रभु सुन ले, कितने या तू। अरे उसका मतलब क्या है? उस वचन का मतलब यह है कि अपने इसका सरफा मत कर, इसे खोल, इसे बोल। ये नहीं है कि ऊंचा ऊंचा, इसका मतलब ये है। सरफे का मतलब अपने संग नो अड्डन का मतलब, ये पंजाबी का शब्द है, अभी हिंदी में पता नहीं, अगर मुझे याद नहीं है ऐसे तो ऐसे लिखा है, विमल अपने गले को खोल, किसकी महिमा के लिए। अगर आप फिलिपियों 4:19 पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा, परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर गति क्या करेगा। तो महिमा करोगे भाई, हर गति पूरी होगी आपकी, हर जरूरत आपकी पूरी होगी। करके देखो उसकी महिमा। जब पत्रस जब पौलुस और सिलास जेल में थे, कितनी बड़ी मुश्किल थी, कितना बड़ा हालात था, तो क्या हुआ? कितनी रात लगी है, कितने दिन लगे, कितनी रातें, कितने दिन लगे? अरे एक ही रात में, क्योंकि वो दुख में भी किसकी महिमा करने लगे। जेल के दरवाजे जिन भेड़ियों से, सांकलों से बांधा था, सब टूट गए, किसकी महिमा करने से। अरे हालात कहते हैं ना, बंधनों को तोड़ो, किससे, किस प्रेर से तोड़ो? मैं कहता हूं इस प्रेर से तोड़ो। क्या कहता हूं मैं? इस फायर से नहीं, इस प्रेर से तोड़ो, आनंद वाली प्रेर से। खाओ आनंद से, बंधन टूटेंगे। हॉली हॉली फायर से जैसे तोड़ते बंधन, मैं कहता हूं ऐसे ऐसे तोड़ो, इस प्रेर की, इस वाली चीज से तोड़ो, आनंद वाली। जैसे उन्होंने आधी रात भी ना खाने को मिला ना पीने को, हमें तो सब कुछ, अगर हम प्रॉब्लम है, दुख में, और भाई बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या है? उन्हें ना खाने को मिला ना पीने को, फिर भी किसकी प्रेज कर रहे हैं? लोगों का काम नहीं हो, उनकी ना सुनी, पता नहीं कैसा मन होता है, उनके मुंह देखो, आही नहीं, आही, आही नहीं, ओना, ओना। कैसे खिलोगों को मैंने ऐसे देखा, अगर मुझे पूछे क्या हुआ, पानी आ नहीं रहे, आ नहीं, ओना, ओना। साड़ा काम नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं, समझ आ रही है? कैसे लोग, अरे उनकी और देखो, जेल बंदी खाने में
थोड़ी सी जगह है, उनके हाथ पैर काट में भाई वो हिल भी नहीं सकते, ना वहां पे पानी, पता नहीं गर्मी का मौसम है मच्छर लड़ रहा है, अभी हाथ पैर तो कहां पे, अभी आप तो मच्छर को भगाओगे, मच्छर तो काटेगा, मक्खी भी बैठ जाए तो क्या होता है, उसकी भी मुश्किल आती है। पर वो उस मुश्किल में भी आनंद करने लगे, क्या करने लगे, और उस आनंद ने सब चूहे तोड़ दिए। आप पे भी टूटने वाले यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया।